ये 18,000 रुपए की है। 18,000 रुपए की, और ये 30,000 रुपए, खाली 30,000 रुपए में आपको एक स्पोर्ट्स बाइक मिल रही है। So, आज हम आए दिल्ली में, एकदम देख सकते हो एकदम धमाका होने वाला है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आप देख सकते हो काफ़ी सारी सेकेंड हैंड स्कूटीज, बाइक और सारी चीज़ें खड़ी हैं। भाई सबसे पहले, सबसे यहाँ पे जो आज की वीडियो का जो जान है ये वाली स्कूटी प्लेजर की, तो इसको कवर करते हैं। हमारे साथ मोमिन भाई है, और मोमिन भाई की शॉप का नाम है अमन मोटर्स। थोड़ा आवाज़ को तेज़ करके, अमन मोटर्स। तो भाई ये कौन सी कंपनी की स्कूटी है? ये होंडा कंपनी की स्कूटी है। होंडा कंपनी की स्कूटी है, इसका नाम क्या है? प्लेजर। प्लेजर है। तो आप देख सकते हो इसके आगे पीछे से, ये स्कूटी है, दिल्ली नंबर स्कूटी है, और उसके टायर की कंडीशन भी एकदम ओके रिपोर्ट है। और अब बात करते हैं, तो भाई ये है कितने की? ये 18,000 रुपए की है। 18,000 रुपए की, और ये नई कितने की है? नई है ऐसी, 62,000 रुपए की। 62,000 रुपए की नई है। अच्छा, ये कितने किलोमीटर चली है? 16,000 किलोमीटर। 16,000 किलोमीटर चली है, जैसे कि आप इसका रेडियो मीटर पे देख सकते हो, 16,000 किलोमीटर ये बाइक स्कूटी चली है। और स्कूटी का रिपेंटेड नहीं है स्कूटी, कुछ भी नहीं करवा, बस एकदम खड़ी है, आके खड़ी है, कस्टमर ने दी है और छोड़ के दूसरी बाइक ले गया है ना, स्कूटी रख के बाइक ले गया है। तो आप एक्सचेंज भी हो जाती है बाइकें, बाइकें एक्सचेंज भी कर लेते हैं। आप स्कूटी दे के बाइक ले जाओ, बाइक ले के स्कूटी दे जाओ, स्कूटी ले जाओ। तो और देखते हैं, ये दूसरा मॉडल है हमारे पास, ये वाला पैशन प्रो है 2013 मॉडल। ये पैशन प्रो है 2013 मॉडल, 2013 मॉडल पैशन प्रो। आप देख सकते हो कंडीशन इसकी एकदम ओके रिपोर्ट है, दिल्ली नंबर गाड़ी है ये। तो कितने किलोमीटर चली है ये? ये चली है भैया 28,000 किलोमीटर। 28,000 किलोमीटर चलिए, आप देख सकते हो ये गाड़ी है। जिस किसी को भी कांटेक्ट करना है, अभी भाई का नंबर वीडियो के लास्ट में हम दे देंगे, तो इनसे कांटेक्ट कर सकोगे, ये भाई मिलेंगे यहाँ पे। और काफ़ी देख सकते हो यहाँ पे एक FZ खड़ी है, FZ कहते हैं यामा की, FZ 2015 मॉडल, दिल्ली नंबर, टायर इसकी ओके कंडीशन में, पीछे वाली भी टायर इसकी ओके कंडीशन में। और कितनी चली है ये? 25,000। अच्छी, सारी फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? फर्स्ट ओनर है, सारी फर्स्ट ओनर है ना बाइक। तो ये है R15, ये कौन सी है? ये आ गई R15, इससे जो बड़ा वाला मॉडल है ये आ गया R15, दिल्ली नंबर है R15, देख सकते हो अच्छी कंडीशन में। अगर मैं इसकी देख लुकेंस की बताऊँ तो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है ये। तो भाई इसका प्राइस कितना है? इसके प्राइस है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, खाली 30,000 रुपये में आपको एक स्पोर्ट्स बाइक मिल रही है। कौन से मॉडल है? 2008 मॉडल है, और दिखने में भी एकदम कंडीशन इसकी पूरी एकदम न्यू कंडीशन लग रही है, ओके रिपोर्ट वाली, जैसे कि आप देख सकते हो। और DL नंबर है ये, 30,000 रुपये की है। और नई कितने की होती है ये? ये नई आ रही है 1,06,000 रुपये। 1,06,000 रुपये की नई आ रही है आज के लिए। R15 है, डबल डिस्क है, ऑफकोर्स ये स्पोर्ट्स बाइक है, तो इसमें काफ़ी अच्छे सस्पेंशन होंगे इसके। टायर इसकी अगर कंडीशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो टायर भी बहुत इसके अच्छी कंडीशन में है। तो 2008 का मॉडल है, 30,000 रुपये की डिमांड है, इसमें भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, कम हो जाए, इंश्योरेंस हो जाता है सेकेंड हैंड बाइकों पर, सेकेंड हैंड बाइकों पर इंश्योरेंस भी कर देते हैं भाई ये। तो और भाई दूसरी बाइक कवर करते हैं। सो वाइज देख सकते हो ये बुलेट खड़ी है, रॉयल इनफील्ड का, कौन सा मॉडल है ये? पहले 2015 मॉडल है, और इसे कौन सा, मतलब ये क्लासिक है, रॉयल है? ये रॉयल है, ये रॉयल इनफील्ड है। इसमें ये हेडलैम्प्स आफ्टर मार्केट मिलते हैं, ऊपर से ये जो इसके ग्लासेस हैं देख सकते हो, ग्लास व्लास पूरे आफ्टर मार्केट लगे हैं पूरी। पीछे से भी इसकी जो बैक रेस्ट है वो पूरी हट रखी है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो बाइक है काफ़ी अच्छा मॉडल लग रहा है ये। मतलब मॉडल कौन सा था ये? 2015 का ये मॉडल है। और कितने किलोमीटर चली है ये? 15,000 किलोमीटर चली है, जैसे कि आप मीटर पे देख सकते हो। और पंजाबी इसे बुलेट कहते हैं,
और मॉडिफाई ये पूरी है, इसकी डिमांड कितनी मांग रहे हो? 1,05,000 रुपये। 1,05,000 रुपये की मांग रहे हो। और ये नई कितने की है? ये 2,25,000। ये टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल है बुलेट का। 1,05,000 रुपये की डिमांड है। और भाई ये है पैशन प्रो बाइक है, आप देख सकते हो उसका वॉक अराउंड भी। तो ये इसके अगर कंडीशन की बात करूँ तो एकदम काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अभी रोड की साइड है तो थोड़ी बहुत डस्ट वस्ट है जो आपको क्लियर होके मिलेगी, पॉलिश होके। सर्विस इसकी कंपनी से सर्विस है पूरी, सर्विस ये गाड़ी सर्विस पूरी होके देगी आपको, देंगे। तो ये पैशन गाड़ी है ये, और कौन सा मॉडल है ये? 2016 मॉडल। कितने किलोमीटर चली है ये? 28,000 किलोमीटर चली है पैशन प्रो। फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है? तो मार्केट प्राइस इसकी कितनी है इस गाड़ी की? 35,000 रुपये मार्केट की प्राइस है। और आप कितने की? 35,000 रुपये नहीं, ये आपके रेट है 35,000 रुपये सेकंड हैंड के, है ना? और मार्केट प्राइस कितनी है इसकी? नई कितने की आती है? नई ऐसी 80,000 रुपये की ये नई आपको मिल जाती है। पैशन प्रो 2020 वाला मॉडल है ना। और ये आपको मिलेगा कौन सा मॉडल था ये? 2016 मॉडल, यानी कि कुछ सालों ही पुरानी है ये। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंडीशन में। टायर भी इसके दिखाऊं तो टायर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंडीशन में। तो भाई दूसरी बाइक हमारे पास खड़ी है, ये कौन सी खड़ी है? स्प्लेंडर आई स्मार्ट। स्प्लेंडर की आई स्मार्ट खड़ी है। कंडीशन देख सकते हो टायर की, न्यू टायर कंडीशन है एकदम। तो भाई कौन सा मॉडल है ये? 2016 मॉडल है। तो भाई कितने किलोमीटर चली है ये? चली है भाई, ये चली है 40,000 किलोमीटर चली है ये। तो देख सकते हो ये है स्प्लेंडर होंडा की। तो भाई इसकी डिमांड कितनी आज? इसकी डिमांड भैया 35,000 रुपये। 35,000 रुपये है इस बाइक की डिमांड। कंडीशन इसकी ओके रिपोर्ट है जी। आप देख सकते हो सर्विस होके मिलेगी आपको, आप इसे ले जाओ और चलाओ, है ना? कंडीशन है बाइक की देख सकते हो आप। तो भाई ये दूसरी पैशन आ जाती है, एक और ये एच प्रो है ये, और वो वाली वो पैशन प्रो है। तो देख सकते हो ब्लैक में काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और आप बात करो तो इसके कितने चली हुई है ये? चली हुई है 27,000 किलोमीटर चली हुई बाइक है ये। कंडीशन इसकी एकदम बढ़िया है। और आप देख सकते हो भाई के पास आ सकते हो, भाई कार्ड दिखाना कि इसका प्राइस है 22,000 रुपये। 22,000 रुपये इसका प्राइस है, पल्सर का, पल्सर बजाज। तो गाइस देख सकते हो ये है अमन ऑटो डीलर, तो ये इन्हीं का कार्ड है भाई का जो हम अभी कवर कर रहे थे वीडियो। तो इनका ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये एड्रेस भी लिखा है, जिस किसी को भी आना है वो आ सकता है। प्राइस नेगोशिएबल हो जाते हैं। देख सकते हो पल्सर खड़ी है हमारे पास, बहुत अच्छी कंडीशन में पल्सर खड़ी है। ये कौन सा मॉडल है? 2012 का मॉडल है पल्सर का। और बात करें इसकी कंडीशन की, तो इसकी कंडीशन थोड़ी रफ कंडीशन है, लेकिन थोड़ी डेंट वेंट से है, लेकिन अच्छी है कंडीशन। मतलब इसका इंजन पूरा सील है, इंजन के साथ किसी बाइक के साथ छेड़छाड़ तो नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है छेड़छाड़। अच्छा, कुछ गारंटी कुछ है आपकी भी? गारंटी 6 महीने ही है। 6 महीने की, मतलब हर बाइक पे 6 महीने की गारंटी मिल जाएगी आपको। देख सकते हो सारी बाइकों भी, अभी हमने ये वाली कवर करी, सारे DL नंबर है, सारे दिल्ली के नंबर हैं, और 2012 का मॉडल है ये। तो हेलो गाइस, तो आप लोगों ने मेरी जो वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक करो, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ रही है, आप जाके मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड सो